दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, वो भारत में घुसे और हमारे पायलट को उठाकर ले गए, अब तस्वीरों और सबूतों में से हमें ललकार रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आज पाकिस्तान ने कायराना हरकत दिखाते हुए भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजा, जिसने गोले गिराए। हालांकि वो लौटकर वापस नहीं जा सका और उसको भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, लेकिन इस घटना में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बात की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने की थी, लेकिन पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसने विमान को उड़ाने के साथ ही पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 10 मिनट में पाकिस्तान ने भारत पर किया हमला। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की तस्वीरों भी शेयर की गई हैं और कई अहम दस्तावेज भी दिए हैं। इसमें दुखद यह है कि भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें वो अभी तक सबूत नहीं पेश कर पाए, लेकिन पाकिस्तान भारत में घुसकर आया और कुछ ही समय में उसने भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मार गिराया। हालांकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के इलाके उनके घर में घुसकर 300 आतंकियों को मार गिराया था। इस एयर स्ट्राइक से पाक बिल्कुल बौखला गया था, जिसके बाद उसने आज सुबह भारत पर हमला बोल दिया। वहीं अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इस घटना पर अपने अपने दावे पेश कर रहा है और कह रहा है कि उसने भारत को सबक सिखाया है। इस घटना में दूसरा पहलू ये भी है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर किए हमले के बाद एक वीडियो फुटेज जारी किया था, जिसको पाकिस्तानी सेना फर्जी बता रही है, लेकिन पाकिस्तानी ने आज भारत पर हमला किया और अब वह दिखाना चाह रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई को पूरी तरह से तैयार है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ये भारतीय विमान की तस्वीरें और दस्तावेज हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो ना मैं रोक पाऊंगा और ना ही मोदी। भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने भी आज सुबह भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद अब सीमा पर तनाव जैसा माहौल बन गया है। इसी बीच पाकिस्तान के PM इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है कि कहा, अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इसको संभालना ना मेरे बस में होगा और ना ही PM मोदी के। जाहिर है दोनों देशों के बीच काफी अधिक तनाव हो गया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के उच्चतम स्तर के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के भारत में उप उच्चायुक्त सैयद मीर शाह को समन किया है। बुधवार सुबह MiG-21 का एक पायलट लापता हो गए थे और पाकिस्तान का दावा है कि पायलट उसके कब्जे में है। माना जा रहा है कि इसी कारण पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया गया है। इससे पहले कि विदेश मंत्रालय की तरफ से रविश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया है, जबकि हमारा MiG-21 का एक पायलट लापता है। पाकिस्तान का दावा है कि पायलट उनके कब्जे में है। रविश कुमार ने कहा है कि भारत में सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान की वायुसेना ने आज भारत की मिलिट्री बेस पर हमले की कोशिश की। जवाब में भारत की ओर से गए MiG-21 के पायलट अब तक लापता है। पाकिस्तान का दावा है कि MiG-21 का पायलट उनकी कस्टडी में है। हमने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविश कुमार के साथ एयरफोर्स की ओर से एयर वाइस मार्शल RG के कपूर भी रहे। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने फिर लगाई शांति की गुहार, युद्ध होना नीति की विफलता। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि वह शांति चाहता है और भारत को यह समझने की जरूरत है कि युद्ध होना नीति की विफलता है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन IPSR के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार सुबह से गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज सुबह पाकिस्तान वायुसेना PAF के ने पाकिस्तानी वायुसेना से नियंत्रण रेखा पार के 6 लक्ष्यों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों और PAF के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सवाल यह था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, जैसे भारत ने किया या एक जिम्मेदार देश की तरह।
मेजर जनरल गफूर ने दावा किया कि पीएएफ ने पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसे दो भारतीय विमानों को मार गिराया और दो पायलटों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में सामर्थ्य, इच्छा और प्रतिबद्धता है तथा उन्हें देश का समर्थन भी हासिल है। चूंकि हम एक जिम्मेदार देश हैं और शांति चाहते हैं, हमने निर्णय लिया है कि हम किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाएंगे। साथ ही हमने यह निर्णय भी लिया है कि हमारी कार्रवाई में जान माल का कोई नुकसान नहीं हो। आईएसपीआर महानिदेशक ने कहा, हमने सभी लक्ष्यों को सिहित कर लिया है और जब हमारे पास गोलीबारी करने का विकल्प था तब अब हमने एक सुरक्षित दूरी से जिम्मेदारी भरा कदम उठाया। हम कुछ भी कर सकने में सक्षम है, लेकिन हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, हम युद्ध की ओर नहीं बढ़ना चाहते। भारत के पाकिस्तान के 116 विमान को मार गिराने के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आज की किसी भी गतिविधि में F-16 विमान का उपयोग नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा अटैक में राहुल गांधी बोले, पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं करी सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने एक बयान जारी किया है। विपक्षी दलों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 21 राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक ने 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए पुलवामा हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि बैठक में सेना की कार्रवाई की सराहना की गई। उन्होंने कहा, नेताओं ने पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की और हमारे लापता पायलट की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता व्यक्त की। नेताओं ने सरकार से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी नेताओं ने सरकार पर भरोसा रखने का आग्रह किया। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया और इस कार्रवाई में MiG-21 का एक पायलट लापता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में दो भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया और दो पायलटों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पायलट के लापता होने को लेकर ट्वीट किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि हमारा एक बहादुर आईएएफ पायलट लापता है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही घर लौट आएगा। हम इन कठिन समय में अपने सशस्त्र बलों द्वारा खड़े हैं। पाकिस्तानी सेना ने 46 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक शख्स की आंख पर पट्टी बंधी है और वो दावा कर रहा है कि वो भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स कह रहा है, मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं, मैं सर्विस नंबर 27981 है। वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, सूत्रों ने अभिनंदन के पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अभी अभी सीमा पर बड़े तनाव के बाद मुंबई में हलचल। सीएम ने डीजीपी और कमिश्नर के साथ की बैठक। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आज पाकिस्तान ने करायना हरकत दिखाते हुए भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजा जिसने गोले गिराए। हालांकि वह लौटकर वापस नहीं जा सका और उसको भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, लेकिन इस घटना में भारतीय वायुसेना के एक फाइटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बात की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी की थी। सीमा पर बड़े तनाव से अब देश भर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, हर तरफ हाई अलर्ट है। वहीं अब इस घटना के बाद अब मुंबई में सीएम ने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी और कमिश्नर के साथ बैठक की है और अब राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। महाराष्ट्र सीएम ने सुरक्षा को लेकर की बात। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है और दोनों मुल्कों की वायुसेना आमने सामने आ गई है। हालांकि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत से पहले ही जवाबी कार्रवाई देने को तैयार है। इस तनाव को देखते हुए अब देश के प्रमुख शहरों में अलर्ट के साथ ही विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं अब इस घटना के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डीजीपी और कमिश्नर के साथ खास बैठक की और राज्य के लोगों की सुरक्षा पर बात की। भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो ना मैं रोक पाऊंगा और ना ही मोदी। भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने भी आज सुबह भारत पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद अब सीमा पर तनाव जैसा माहौल बन गया है। इसी बीच अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है, अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इसको संभालना ना मेरे बस में होगा और ना ही पीएम मोदी के। जाहिर है दोनों देशों के बीच काफी अधिक का तनाव हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी वायुसेना ने एक विमान मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भारतीय पायलट को कब्जे में लेने के दावे को लेकर हम जांच करेंगे। विदेश मंत्रालय की बैठक हो रही है जिसमें MEA प्रवक्ता ने यह माना है कि इस घटना में हमारा एक MLG विमान क्रैश हुआ है और पायलट लापता है।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा हमले में घायल हुए जवानों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। हमले के बाद से थे भर्ती। पुलवामा में हुए हमले के बाद जैश और पाकिस्तान पर देश का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जिससे जैश मोहम्मद के आतंकियों ने कार बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इस घटना में जिस गाड़ी के इस्तेमाल से 40 जवानों की जान ली गई, उस कार मालिक ने भी अब आतंक का हाथ थाम लिया है। दूसरी तरफ कश्मीरी घाटी में लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और वो बार बार सीज़फ़ायर का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इस घटना में घायल हुए जवानों का अस्पताल से इलाज चल रहा था, जिसके बाद अब इन जवानों को राहत मिल गई है और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलवामा में घायल हुए जवानों को अस्पताल से मिली राहत। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 जवानों की शहादत के साथ कई घायल भी हुए थे। वहीं अब इन सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब सब स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि पुलवामा घटना के बाद भी घाटी में आतंकी छिपे हैं, जो लगातार हमले कर रहे हैं। मुठभेड़ में अब सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सेना ने जैश के दो कमांडर को मार गिरा है। बताया जा रहा है कि पुलवामा का मास्टरमाइंड गाजी रशीद और कामरान एक हमले में ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने 40 जवानों की शहादत का बदला आखिरकार ले लिया है। कश्मीर घाटी में पुलवामा हमले के बाद से जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वहीं अब इस घटना को लेकर अब घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहीं जहां राज्य में सेना व अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां तैनात की गेंद थी, वहीं अब एक बार फिर खबर आई है कि आगे अभी और आर्थिक फोर्स तैनात की जाएगी। इस मामले को लेकर राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्य में कैंडिडेट और वोटर्स के खिलाफ आतंकी घटना बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और आने वाले समय में और सुरक्षा बलों की तैनाती यहां की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारत का सख्त रुख देख ढीले पड़े पाकिस्तान के पीएम। इमरान खान ने मोदी से लगाई शांति की गुहार, मांगा मौका। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से शांति का एक बार फिर से मौका मांगा और देने की अपील करते हुए यकीन दिलाया कि पुलवामा हमले को लेकर अगर पर्याप्त सबूत दिए जाते हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले वक्तव्य के जवाब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सोमवार को शांति का एक मौका और देने की अपील करते हुए यह यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैशे मोहम्मद की फिदायीन हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 44 जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर है। गौरतलब है कि श्री मोदी ने कहा था कि अगर वो इमरान खान पठान हैं तो अपनी बातों पर कायम रहे। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम है कि अगर भारत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में स्थिरता को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री खान ने श्री मोदी से शांति का एक मौका देने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आतंकी शाहनवाज व आकिब के बाद देवबंद से दो और संदिग्ध हिरासत में। जांच एजेंसियां कर रही है पूछताछ। पकड़े गए दोनों युवक हैं बांग्लादेशी। आतंकी शहनवाज और आकिब के बाद अब ये यूपी के देवबंद से दो और संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। फिलहाल प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए दोनों युवक बांग्लादेशी हैं। दोनों यहां बगैर वीजा के रह रहे थे और अब देवबंद छोड़ने की फिराक में हैं। दोनों को रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया है। एसएसपी निदेश कुमार पी का कहना है कि संदेह के आधार पर दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और इनके दस्तावेज की जाँच की जा रही है। बता दें कि गुरुवार की देर रात एटीएस टीम में मोहल्ला खानकाह स्थित एक निजी छात्रावास पर छापेमारी करते हुए मदरसा छात्र के रूप में रह रहे पाकिस्तानी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकी शाहनवाज तेली व आकिब अहमद को गिरफ्तार किया था। देवबंद से संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद से पूरा जनपद हाई अलर्ट है और यहाँ रह रहे अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। अलर्ट के बाद यहां से दो बांग्लादेशी फरार होने की फिराक में थे, जिन्हें रेलवे स्टेशन से ही हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपने नाम मामून रशीद उर्फ दुलाल पुत्र मरहूम अक्काज अली निवासी गांव सुनार थाना मुस्तगासा ढाका व शुएब हुसैन अम्मार
पुत्र मरहूम फुलमिया गांव जमालपुर मेख जिला किशोरगंज बांग्लादेशी बताए हैं। कोतवाली प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे। दोनों ही युवकों के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही वीजा। खुफिया विभाग की सूचना के बांग्लादेशियों को देवबंद नगर के रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 2 फरवरी को भी देवबंद पुलिस व खुफिया विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।